gardening simply does not allow one to be mentally old, because too many hopes and dreams are yet to be realized. Hi friends, welcome to my YouTube channel. I'm sorry कि मैं आपके लिए इतनी देर बाद वीडियो ला रहा हूँ, पर आज मैं आपके साथ ग्राउंड फ्लोर गार्डन पार्ट टू वीडियो लेकर आया हूँ. और ग्राउंड फ्लोर गार्डन पार्ट वन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो कितना हरा भरा हो गया. लास्ट में मैं आपके साथ इसकी पिक्चर्स शेयर करूंगा जो नए फूल नए पौधे आए हैं. तो चलिए अभी ग्राउंड फ्लोर गार्डन पार्ट टू शुरू करते हैं. तो ये हमारे घर का एंट्रेंस रोड था, तो हमने सोचा कि यहाँ पर भी कुछ पौधे लगाए जाए ताकि यहाँ पर अच्छा लगे. तो हमने ये लगाए हैं. ये दोनों है वेरीगेटेड मनी प्लांट्स. ये कॉमन मनी प्लांट से इसलिए अलग है क्योंकि इनकी जो लीव्स है उसमें वेरीगेशन है व्हाइट कलर की, जैसे आप देख रहे हैं. और इनके बीच में है कॉमन स्पाइडर प्लांट. और ये है ड्वार्फ वैरायटी एरिका पाम की. और ये है मरांटा, जिसे हम ट्रियो स्टार भी कहते हैं क्योंकि इसमें तीन रंग होते हैं. और इसकी जो अंडर साइड होती है वो बहुत ही सुंदर होती है, पर्पल और मेजेंटा रंग की. और इसके ऊपर भी व्हाइट और ग्रीन के शेड्स होते हैं. ये है ड्वार्फ वैरायटी स्पाइडर प्लांट की. और इसमें मैंने एक इमोजी भी ड्रॉ करने की कोशिश की है, इतना अच्छा नहीं बना है. और इसके आगे ये है स्नेक प्लांट, ड्वार्फ वैरायटी स्नेक प्लांट की. ये एयर प्योरिफाइंग प्लांट होता है स्नेक प्लांट. ये है पिंक सिंगोनियम. इसके लीव्स बड़े पिंक होते हैं, पिंक और ग्रीनिश कलर के, जैसे आप देख रहे हैं. जब ये बेबी होते हैं तब ज्यादा पिंकिश होते हैं, पर बाद में ये ज्यादा ग्रीनिश होने लगते हैं. ये है टेबल कामिनी. ये बिल्कुल आर्टिफिशियल प्लांट जैसा लगता है. और इसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं. ये नियॉन पन्नी मनी प्लांट है. इसके जो लीव्स होते हैं वो नियॉन कलर के होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं. ये है पिंक एग्लोनेमा. इसके बीच में जो होता है बहुत पिंक कलर होता है और बाउंड्री में ग्रीन ग्रीन कलर होता है. ये है इंजॉय मनी प्लांट. इसके लीव ग्रीन और व्हाइट कलर के होते हैं. ये है स्नेक प्लांट. ये कॉमन स्नेक प्लांट से इसलिए अलग है क्योंकि जो इनकी लीव्स है इसमें बॉर्डर जो है वो येलो येलो कलर के होता है, जैसे आप देख सकते हैं. यहाँ पर जो बॉर्डर है वो येलो कलर के है. ये है मार्बन मनी प्लांट एक और. ये है लकी बैम्बू, ये वाला. इसकी जो लीव्स होती है उसमें बहुत ही ग्लेज और शाइन होती है, बहुत ही शाइनी दिखती है इसकी लीव. और ये है तीन एग्लोनेमा. ये जो तीन है ये और ये कॉमन एग्लोनेमा है. और इनके जो बीच में है ये है लिपस्टिक एग्लोनेमा. इनके जो बॉर्डर होते हैं वो होते हैं पिंक कलर के. लिपस्टिक और पिंक एग्लोनेमा में ये फर्क है कि पिंक एग्लोनेमा के बीच में होता है पिंक कलर और लिपस्टिक एग्लोनेमा के बॉर्डर्स में होता है पिंक कलर. और ये जो छोटा सा प्लांट है जो कप में लगा हुआ है, ये है, इसे कहते हैं बेबी टीयर. इसकी जो लीव्स होती है वो बहुत ही छोटी होती है, जिसकी वजह से इसका नाम बेबी टीयर दिया गया है. ये जो प्लांट है ये मेरी मम्मा के दोस्त ने उन्हें दिया था गिफ्ट में. ये दोनों ड्वार्फ वैरायटी एरिका पाम की जो रूम जो गेट पर लगी हुई थी, ये देखिए. इसकी भी शाइन में बहुत ग्लेज, इसके भी पत्तों में बहुत ग्लेज होती है. ये है कॉमन मनी प्लांट. ये वेरीगेटेड मनी प्लांट नहीं है, ये हमने वाटर में प्रोपोगेशन के लिए लगाया हुआ है. ये एक टूटा हुआ जार था तो उसमें पानी भरकर हमने इसे यूजफुल बना लिया. ये है इंजॉय मनी प्लांट. ये दोनों, इसे हमने उसकी कटिंग से लगाया था जो मेन इंजॉय प्लांट था. और ये है नियॉन मनी प्लांट. ये भी मेन नियॉन मनी प्लांट की कटिंग से लगे. और ये जो दोनों है ये गोल्डन ड्रेसिना जिसे वो कहते हैं. और इनकी पत्तियों में गोल्डन गोल्डन स्पॉट्स होते हैं, जिसकी वजह से इसे गोल्डन डस्ट रसीना कहते हैं. ये है नियॉन मनी प्लांट. ये भी उसकी ही कटिंग से लगा हुआ है. ये है कॉमन मनी प्लांट. और ये भी लिपस्टिक एग्लोनेमा था, पर सर्दी की वजह से ओस पड़ने के कारण इसकी पत्तियां जल गई और अब सिर्फ यही बच गया इतना. ये तीनों है स्पाइडर प्लांट जो सेरेमिक के गमलों में लगे हुए हैं. ये कॉमन स्पाइडर प्लांट से इसलिए लगे क्योंकि कॉमन स्पाइडर प्लांट्स की लीव डार्क ग्रीन नहीं लाइट ग्रीन होती है, पर इनकी लीव डार्क ग्रीन है, तो ये अलग वैरायटी के स्पाइडर प्लांट है. तो फ्रेंड्स, ये थे वीडियो ग्राउंड फ्लोर गार्डन पार्ट टू की.
अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट भी करना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। मैं अगली वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।